ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागर जातं सहगंधगुणातान्वितं तं सजीवं साधवैतम सावधूतम परिजन सहितन कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु जी दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। यस रघुनाथ दास जी बताइए। हरे कृष्ण। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। दसवां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रवेश करते हैं आज के हम भगवत गीता के सेशन में। हम लोग 18वें अध्याय में चल रहे हैं अभी, और हमने कल तक जो है सात्विक ज्ञान और राजसिक ज्ञान का स्टडी किया, राइट। सात्विक ज्ञान और राजसिक ज्ञान, ठीक है। तो ये था श्लोक नंबर मेरे ख्याल से 20 और 21। इसमें हमने पढ़ा, भगवान कहते हैं सात्विक ज्ञान के बारे में, वह ज्ञान जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो इसमें मैंने दो दृष्टिकोण बताए थे आप लोगों को, दो दृष्टिकोण हो रहे हैं इस श्लोक को देखने के। दोनों दृष्टिकोण ये है कि जब सभी जीवों में आदमी एक आत्मा को देखता है, वह सात्विक ज्ञान कहलाता है। ऐसा ज्ञान जिससे सारे जीवों में, चाहे वो मच्छर हो, चाहे हाथी हो, चाहे बकरा हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई और क्यों ना हो, देवता हो, सारे सारे जीवों में एक आत्मा का दर्शन करता है, वह सात्विक ज्ञान है। और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि जब आदमी देखता है कि सारे जीव सिर्फ पंच तत्व से बने हैं, है ना, भूमि गगन वायु अग्नि और जल, है ना, यही है ना, भूमि गगन व से वायु ही तो है ना। हाँ, ग से गगन मतलब आकाश हो गया, ईथर हो गया, व से वायु हो गया, अग्नि हो गया और जल हो गया। ये पांच तत्व से सारे के सारे शरीर बने हुए, सारे शरीर जो भी दिखता है हमारे को, चाहे वो बकरा हो, मुर्गा हो, हाथी हो, चींटी हो, है ना, कोई भी जीव जंतु हो, सांप हो, इंसान हो, ये सब के सब इन पंच तत्व से बने हैं। तो दो दृष्टिकोण हो गए, वह ज्ञान जिससे आदमी ये देख सके कि सारे जीवों में आत्मा है, वह ज्ञान जिससे व्यक्ति देख सके कि सारे शरीर इन पंच तत्व से बने हुए हैं,
वही कहलाएगा सात्विक ज्ञान। ठीक, तो इसके बाद राजसिक ज्ञान में भगवान ने कल बताया, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसिक ज्ञान। तो वह ज्ञान जो भेद करना सिखाता है, मेरा अपना, बड़ा छोटा, पैसे वाला गरीब, है ना, अच्छा बुरा, इस टाइप का जो ज्ञान है, जो ये भेद सिखाना चाहता करता है, वह राजसिक ज्ञान। तो ये बेसिकली हमने कल इस पर चर्चा करी थी, अपने शरीर को भिन्न शरीरों से अच्छा समझना, अपने शरीर के प्रति ज्यादा ज्यादा ललायत रहना, है ना, दूसरों को कमजोर समझना, या ये समझना कि मैं अगर ऐसे कपड़े पहनूंगा तो मैं ज्यादा श्रेष्ठ दिखूंगा, या वो उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठता का पैमाना डिसाइड करना बाहरी आवरण से, ये होता है राजसिक ज्ञान, है ना। कोई श्रेष्ठ है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, यह उसके मात्र शरीर से या उसके पहनावे से या उसकी वस्तुओं से डिटरमाइन करना, इसको कहेंगे राजसिक ज्ञान। श्रेष्ठता बुद्धि से, हृदय से होती है, ना कि बाहरी आवरणों से, है ना। हम देखते बड़े बड़े ऋषि महाऋषि पैदल चलते, गाड़ियों में नहीं चलते, वस्त्र ज्यादा अपनाते नहीं है, वो अपना छोटा सा एक एक वस्त्र रखेंगे, दो वस्त्र ज्यादा से ज्यादा, दो धोती रखेंगे और एक कमंडल रखेंगे, बस दैट्स इट। तो श्रेष्ठता हमारे को इससे नहीं डिटरमाइन करती कि आपके पास कितने वस्त्र हैं, कितने बड़ा घर है, कितना गोरे हो, कितने काले हो, है, ये सब चीजें श्रेष्ठता नहीं बताती। ठीक है, तो ऐसा ज्ञान जो भेद करना सिखाता है उसको राजसिक ज्ञान कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, अभी तामसिक ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद कर्म की भी चर्चा करेंगे, भगवान कर्म के बारे में बताएंगे, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। तो साथ में दोहराते हैं श्लोक नंबर 22, तामसिक ज्ञान, अनम्यूट कर सकते हैं, सब साथ में दोहराएंगे। यत्तु कृत्सन व्रत एकस्मिन, यत्तु यत्तु कृत्सन कृत्सन व्रत व्रत एकस्मिन एकस्मिन कार्ये सत्तम अहेतुकम्। कार्ये कार्ये सत्तम सत्तम अहेतुकम् अहेतुकम् अतत्व अर्थवत् अल्प च, अतत्व तत्व अर्थवत् अर्थवत् अल्पम अल्पम् च च तत्तामसम् उदाहृतम्। तत्तामसम् तत्तामसमुदाहृतम् बोलेंगे, यत्तु तत्र वत् एकस्मिन्, यत्तु यत्तु कत्रवत् एकस्मिन् कार्ये एकस्मिन् सत्तम् अहेतुकम्। कार्ये कार्ये सत्तम सत्तम अहेतुकम् अहेतुकम् अतत्व अर्थवत् अल्पम् च, अतत्व अर्थवत् अल्पम् च तत्तामसम् उदाहितम्। तत्तामसम् उदाहितम् अतत्वात् यत्तु कर्तृत्वात् एकस्मिन्, यत्तु यत्तु कष्टवत्रेकस्मिन् कस्मिन् कार्ये सत्तम कार्ये सत्तम अहेतुकम् अहेतुकम् अतत्व अर्थवत् अल्पम् च, अतत्व अर्थवत् अल्पम् अतत्वात् च अल्पम् समुदाहितम्। उदाहृतम् और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। ठीक है, तो श्लोक को देखते हैं एक बार। तो यत्तु कृत्सन व्रत एकस्मिन्, यत्तु लेकिन, लेकिन यत्तु मतलब लेकिन, वह क्या, कृत्सन व्रत एकस्मिन्, कृतन कृत्सन व्रत मतलब
एक ही कार्य में पूर्ण श्रद्धा से पूर्ण दिल से लगा हुआ हो, लेकिन पूर्ण रूप से मतलब 100% उसी में वो एब्जॉर्ब्ड हो गया हो, उसी में पूर्ण तरह से तल्लीन हो गया हो। एक अस्मिन मतलब एक ही में, कार्य सत्तम अहेतुकम, कार्य में ऐसे एक ही कार्य में पूर्ण रूप से तल्लीन हो गया हो, आसक्त हो गया हो, और अहेतुकम बिना हेतु के, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं इसमें क्यों तल्लीन हो गया हूँ, मेरे को मिलना क्या है, क्या आना जाना है, वो सब नहीं देख पा रहा है। अतत्व अर्थवत अल्पम च, मतलब उसको ज्ञान ही नहीं है, उसका कोई भी चीज का एनालिसिस किया जाता है तो वो एनालिसिस नहीं कर पा रहा है, अज्ञानता से पूर्ण रूप से इग्नोरेंट भाव में। अल्पम च तत्तामसम उदाहिता, मतलब एक ही कार्य में पूर्ण रूप से तल्लीन हो गया हो, आसक्त हो गया हो, बिना ज्ञान के वह कार्य किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहा है, ऐसे ज्ञान ऐसे कार्य को ऐसे ज्ञान को तामसिक कहला ज्ञान कहला। तो आज की डेट में ये बहुत इजीली हम देख सकते हैं, लोग इसमें देखो तीन चार पार्ट है, वह ज्ञान, पहला तो वह ज्ञान है जिसे मनुष्य एक प्रकार के कार्य को, डॉक्टर जरूर सुनील साहब आपका बार बार अनम्यूट हो जा रहा है, सुनील साहब आप अनम्यूट कर दे रहे हैं, आप म्यूट में रखिए ना, आपकी आवाज आ रही है। तो वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उस पर लिप्त रहता है, तो सत्य जाने बिना मीन्स वर्किंग नहीं करता, और तुच्छ काम में सब कुछ अपना पूरा लगा देता है। क्या काम है, जैसे हम देखते हैं लोग अपना ना विश लिस्ट बनाते हैं, हम देखते हैं डायरी बनाते हैं, मेरे को जीवन में ये करना है, मेरे को वो करना है, तो कई लोग ना बनाते हैं कि मैं आगे चल के न्यूयॉर्क में जाऊंगा, मेरा ऑफिस होना चाहिए वहां पे, एक ये डिजायर को कंप्लीट पूरा जीवन दे देते हैं, मेरे को तो यही करना है। एक हमारे जो है ना मेरा है एक रिश्तेदार, उसकी बेटी है, उसको पायलट बनने की बड़ी इच्छा थी, पायलट बन गई भी है, बन भी गई है, लेकिन उसने उस एक सपने के लिए अपने कितने सारे वर्ष दे दिया, वो 10ों साल 15ों साल से उसी में लगी हुई है, लगी हुई है, लगी हुई है, और फाइनली अभी बन भी गई है पायलट। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा जो कार्य है उसमें अपना सब कुछ दे देना। लोग देखते हैं अपना सपना बना के रखते हैं कि मेरा सपना है कि मेरा एक बंगला हो, और पूरा जीवन उसमें दे देते, पूरा जीवन। लोगों का सपना रहता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, बिना कुछ जाने सोचे समझे मैं पूरा अपना समय एक सपने को साकार करने के लिए दे रहा हूं, जीवन के 20-25 साल दे रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा अगर एक बंगला नहीं होगा, एक छोटा घर होगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या छोटे घर में नींद नहीं आती? क्या छोटे घर में खाना नहीं मिलता? क्या छोटे घर में आराम नहीं होता? या हम ब्रह्मचारियों को देखते हैं जिनका तो घर ही नहीं है, वो तो खुद स्वयं मंदिर में रहते हैं, क्या उनको नींद नहीं आती? सोते रहते हैं तो बैठे बैठे जपा करते करते सो जाते। अरे और बड़े बड़े गद्दों में सोने वाले व्यक्ति को नींद नहीं आती, वो गोली खाते सोने के लिए, जपा करते करते वहां सो जाते, उनका तो घर भी नहीं है, नीचे सोते गद्दे में, और क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं। एक्चुअल में यही आदमी ना समझ नहीं पा रहा है कि मैं किसके लिए दौड़ रहा हूँ, किसके लिए भाग रहा हूँ, सिर्फ अपने छोटे से जो है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च एतद् भी पशु भी नराणा, धर्मान ही एको अधिको विशेष धर्महीन पशु भी समाना। मतलब चार चीजें हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार मीन्स खाना, निद्रा मीन्स सोना, भय मीन्स डर लगता है आदमी, चोरों का डर रहता है, अपने जीवन में बीमारी का डर रहता है ना, व्यापार में कोई चोरी का डर रहता है, ये सब भय, भय से बचने के लिए आदमी प्रक्रिया करता है, बचाता है अपने आप को, घर को बचाता है, ताले लगाता है रात को सोने के पहले, है ना, बड़े बड़े ताले लगाता है, और मैथुनम च और सेक्स, बस ये चार चीजें जो है ना, ये चार चीजें पशुओं में भी और मनुष्यों में भी समान रूप से पाई जाती है, इनमें कोई भेद नहीं, बल्कि मनुष्यों में कम और
पशुओं में ज्यादा पाई जाती हैं। आराम से वो लोग इंद्रियां अच्छे से तुष्ट कर सकते हैं, लेकिन धर्मानि एको अधिको विशेष, धर्म एक 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 अधिक विशेषता पाई जाती है मनुष्यों में, जो धर्म के बिना मनुष्य उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। तो अगर ये चार चीजों के लिए ही आदमी अपने जीवन का आधा से ज्यादा समय दे दे, तो उसने क्या रखा अपने पास, क्या बचाया? कुछ नहीं बचाया। बेसिकली पूरा समय, जो मेन समय मनुष्य जीवन मिला था सोचने का, विचार करने का, भगवत प्राप्ति का, जो ये एक मौका मिला था, वो तो खाली एक छोटे से सपने में, जिसका कोई औचित्य नहीं है। आज बड़े बड़े राजाओं ने क्या क्या नहीं बना लिया, क्या लेके गए? इतनी श्रम करना, 20-20 घंटे, 15-15 घंटे आदमी काम कर रहा है, कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहा है कि पैसा तो सब यहीं पे छोड़ के चले जाऊंगा। कौन क्या लेके जाता अपने साथ? कुछ, कोई पैसा नहीं लेके जाता, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं लेके जाता, कोई अपने साथ कुछ नहीं लेता। 2-4 दिन ज्यादा से ज्यादा लोग नाम बोलेंगे, हाँ सेठ जी ऐसे थे, 2-5 साल उनके बच्चे बोलेंगे, हाँ पिताजी ऐसे थे, उसके बाद कौन याद करता? खत्म कहानी, सब खत्म, जीरो। आज से 25-50 साल पहले, 50 साल पहले कौन ऐसा आदमी था जिसने बहुत कुछ पाया है? आज कौन उसका नाम याद है क्या किसी को? पूरा जीवन दे दिया जिसने अपने सपने के लिए, बड़ा महल बना लिया, ये बना लिया, वो बना लिया, कौन याद करता है? कोई याद नहीं करता, जीरो है। हमारी ये भूल है कि लोग हमको देख रहे हैं, एक्चुअल में कोई नहीं देख रहा, किसी को हमारे जीवन से पड़ी ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है किसी को। जिस दिन हम ये समझेंगे, उस दिन अपने आचरण को सुधार पाएंगे। लोग कहते हैं ना, अरे चार लोग देख रहे हैं, देख तो लो, लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? मेरे को बोलते हैं, अरे बाल काले कर लो, आपको अच्छा थोड़ी लग रहा है, लोग देखेंगे क्या बोलेंगे, सफेद हो गए बाल। मेरी घरवाली बोलती, बच्चे बोलते, काले कर लो ना, लोग क्या बोलेंगे? अरे लोगों को पड़ी क्या है मेरी, उनको मालूम क्या मेरे जीवन के बारे में, उनको लेना देना क्या है मेरे जीवन से, क्या लेना देना? मेरी नसीहत तो सुन नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ नॉनवेज नहीं खाओ तो सुन रहे क्या, जो मैं उनकी सुनू बैठ। हाँ, तो ऐसा है बेसिकली, किसी को कोई पड़ी नहीं है, हमको हमारे जीवन को देखना है, ना कि एक तुच्छ छोटे से सपने के लिए पूरा जीवन खत्म करना। तो बेसिकली जो तामसिक ज्ञान है, वो हम देखते हैं, लोग गुटखा खा रहे, दारू पी रहे, अपना पूरा समय शराब, शराब की पार्टी को लोग इतना महत्व देते हैं, अरे हमारी तो बैठक है, हमारी तो मीटिंग है, हमारी तो जो है ना टेबल टॉक्स है, ग्लास वाले इतना ज्यादा महत्व देते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम बनाते हैं 6-6 दिन पहले से, अरे उस दिन पार्टी करेंगे, ये करेंगे, इतने लोगों को बुलाएंगे, यार ये खाना होगा, इसको कैटरिंग को कर लेते हैं, ये स्नैक्स बनेगा, अरे समय पूरा उसी में लगा दिए, अरे खा के सोना ही तो है और क्या है? 50 आइटम की जगह आप एक आइटम खाओगे, 2 आइटम खाओगे, पेट तो उतना ही है ना, पेट ज्यादा है क्या? आदमी का खाना तो इनटेक तो उतना ही करेगा ना जितना उसका पेट में जगह है। 50 तरह के पकवान बनाने का क्या फायदा? कोई फायदा है? समय कब है? समय लगा रहे हैं, अपनी आकांक्षाओं को बढ़ा रहे हैं, मन को बढ़ा रहे हैं, खाली सिर्फ और उसके ज्ञान में नहीं जा पा रहे कि मैं कर क्या रहा हूं, खाली सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं जो कार्य करूंगा इससे मैं स्वर्ग की प्राप्ति करूंगा कि नर्क की प्राप्ति करूंगा, कि मैं भोगूंगा गंदे गंदे बीमारियां मेरे को आ जाएंगी, मैं किसी के लिए गंदा कर रहा हूँ, किसी के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ, किसी का जीवन नष्ट कर रहा हूँ, ये सब नहीं देख रहा आदमी, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ, मैं और मेरा परिवार, बस अपने परिवार के लिए लोग कुछ भी कर दे रहे, गलत से गलत काम कर दे रहे, देख नहीं रहे कि अधर्म कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये अज्ञानता के कारण पूरा जीवन उन्होंने दे दिया, बस मेरा बच्चा खुशी रहे, मेरा बच्चा सुखी रहे, ये भाव नहीं। तो ये जो है ना ज्ञान, बेसिकली ये सबके अंदर रहता है, डिफॉल्ट मोड है एक्चुअल में जो है ना, ये सबको ज्ञान रहता ही है, बिना सिखाए रहता है, लेकिन भगवत ज्ञान उन लोगों को देना पड़ता है। डिफॉल्ट मोड, आदमी जो है ना मोबाइल आता है डिफॉल्ट मोड में आता है, कंपनी सेटिंग, वैसे ही बच्चा पैदा होता है ना तो कंपनी सेटिंग रहती है कि ये अपने भोग के लिए खुद ब खुद सब चीजें समझ जाएगा, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये खाना है वो पीना है, लेकिन उसको समझाना पड़ता है ये नहीं खाना है ना, तेरे को उसकी केयर करनी है, वो भी जीव है, उसको मारना ठीक नहीं, ये ज्ञान देना पड़ता। तो शराब देखेंगे, शराब नहीं पीनी है, गंदा खाना नहीं है,
गंदे विचार नहीं करने हैं। बेसिकली तामसिक गुण वो जो अज्ञानता में, जो भी ज्ञान में, जो अज्ञान में काम किया गया है वो तामसिक ज्ञान। तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य शील प्रोपात, शील प्रोपात की जय। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसिक होता है। तो मैंने बताया डिफॉल्ट मोड है तामसिक ज्ञान। सामान्य मनुष्य को जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है वो तामसिक ज्ञान है बेसिकली, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। तो जो बेसिकली जिसको गुरु नहीं मिले हैं, भगवत गीता नहीं पढ़ता, जो अच्छे लोगों का संग नहीं करता, वो अपने आप को शरीर ही मानेगा। वो ये मानेगा कि मैं शरीर ही हूँ, मेरे को शरीर को ही तुष्ट करना है, मेरे शरीर की सुख को बढ़ाना है, मेरे शरीर के दुखों को कम करना है। जीवन में एक ही उद्देश्य है, सिर्फ शरीर को सुखी और अच्छा रखना है, सुंदर बनाना है अपने शरीर। सिर्फ अपने फोटो खींचते रहते हैं, सेल्फियां मैं देखता हूँ लोग, अरे मैं पागल है, इतना अपने शरीर से प्रेम कर रहे, सिर्फ शरीर ही शरीर। अपने शरीर को जो तुम्हारा नहीं है, जो प्रभु ने दिया है, अकस्मात तुमको शरीर अच्छा मिल गया है और उसको अपना मान के उसी का बस तारीफ किए जा रहे हैं, उसी का प्रचार कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं और व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, इंस्टा में डाल रहे हैं। मेरा तो मैं पागल हो जाता हूँ, इतना देखता हूँ लोगों को अपना प्रचार कर रहे हैं, मैं ये किया, मैं वो खाया, मैं यहाँ गया, मेरा कपड़ा देखो, मेरा बाल देखो, मेरे नेल्स देखो, इतना क्या प्रचार कर रहे हैं? ये तुम्हारा है क्या? ये शरीर तुम्हारा है जो इतना प्रचार कर रहे हो? इसके हम मालिक हैं क्या? अपने आप को सिर्फ शरीर मान के बैठे हैं और उसी का भरण पोषण कर रहे हैं, उसी को सुखी रखने की चेष्टा कर रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि ये एक दिन शरीर छूट जाएगा, जो हमने किया है सब व्यर्थ हो जाएगा, सब पानी हो जाएगा। एक चींटी होती है, हम देखते हैं बहुत मेहनत करती है, बहुत मेहनत, दिन रात शुगर शक्कर के लिए इधर जाती है उधर जाती है, अपने से दो दो डबल डबल वजन उठाती है ना। हम देखते हैं पांच पांच चींटियां मिलके बड़ा बड़ा कुछ कुछ उठा के जाती है, मतलब उनके साइज के हिसाब से बड़ा, कितनी मेहनत करती, लेकिन एक बारिश हो जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। क्यों? उनकी प्रयासों के क्या क्या वैल्यू है क्या? एक बारिश हो जाएगी सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वो समझते नहीं, फिर भी मेहनत करते करते करते। वैसी मनुष्य भी, वो तो बेचारे पशु वो तो जानवर है, उनको कुछ मालूम नहीं, अकल नहीं, इसलिए कर रहे हैं, लेकिन मनुष्यों को तो अकल है। उसको तो ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए ना कि खाली अपने शरीर के भरण पोषण के लिए मेहनत करे जा रहे, करे जा रहे, करे, ठीक है। उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती, उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक अवस्थाओं की तुष्टि है। तो धन को ईश्वर मानता है और शरीर अवस्थाओं की तुष्टि को ही ज्ञान मानता है। अपने आप को मैं कैसे सुखी करूं, कैसे बड़ा वाला एसी लगा दूं, कैसे बड़ी वाली गाड़ी रख लूं, कैसे अपने आप को धूल धक्कड़ से दूर रखूं, कैसे अपने शरीर को और सुंदर बना दूं, यही उसके अंदर, इसी को लोग एडवांसमेंट समझते हैं। आज के जो एडवर्टीजमेंट भी होती है ना टीवी में, ऐसा दिखाते हैं कोई बड़ी वाली बीएमडब्ल्यू गाड़ी में बैठा है और उसका दिखाएंगे कि वो तो बहुत खुश है, उसके जैसा कोई और है ही नहीं, उसके जैसा संतुष्टि, उसके जैसा प्रसन्न कोई नहीं। क्या गाड़ी से प्रसन्नता आती है? क्या गाड़ी से कोई खुश हो सकता है? सब बेवकूफ, और लोग उसको देख देख के पागल भी हो जाते हैं, लोग उसी को फॉलो करते। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता, यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। पशुओं का ज्ञान जो होता है सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन, वैसे ही है ये भी। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्द में इस शरीर से परे आत्मा संबंधित ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है, जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले वह राजसिक है और शरीर को सुखमय बनाने रखने वाला ज्ञान को तामसिक कहा जाता है। तो ये तीन दो लाइन में भगवान प्रभुपाद ने तीनों बता दिया, सात्विक ज्ञान कौन सा है, राजसिक ज्ञान कौन सा है, तामसिक ज्ञान कौन सा है। तो बेसिकली जो लोग नहीं रहते हैं सिर्फ पैसे के लिए बोलते हैं, हु केयर्स माई लाइफ माई रूल्स, आजकल बोलते हैं ना बच्चे, माई लाइफ माई रूल्स, जैसा मेरे जीवन है वैसा मैं कानून बनाऊंगा, वैसे रहूंगा, तुम कौन होते बताने वाले। मनी मनी, सिर्फ पैसा, पैसे के लिए करते हैं हर चीज। तो वो तामसिक ज्ञान, इससे उठना पड़ेगा ऊपर, अदरवाइज अगला जन्म
ना जाने क्या मिलेगा, मनुष्य तो नहीं मिलेगा, ये तो श्योर है मनुष्य नहीं मिलेगा। 84 लाख में फिर चले जाएंगे, अनेक अनेक जन्मों तक, अनेक अनेक, गधा बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, पशु बनेंगे, सांप बनेंगे, बिच्छू बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, मेंढक बनेंगे, और वहीं पे रह जाएंगे। इतना दुर्लभ मनुष्य जन्म गंवा दिया। ठीक है, तो आदमी कुछ भी सोच ले, लेकिन वास्तविकता चेंज नहीं होती है ना। जैसे हम देखते हैं कौवा जो है ना, आंख बंद कर लेता है जब बिजली बिल्ली आने वाली रहती है ना उसको, उसका नोचने के लिए, तो आंख बंद कर लेता है, सोचता है कि नहीं माँ, मैंने मैंने आंख बंद कर ली, अब उसको भी मैं नहीं दिखूंगा, मेरे को वो नहीं दिख रहा तो उसको भी मैं नहीं दिखूंगा। लेकिन वास्तविकता तो आएगी आएगी, अगर अज्ञान में आदमी अपना जीवन खराब कर रहा है, व्यर्थ कर रहा है, लेकिन वास्तविकता तो आएगी आएगी, मृत्यु तो आएगी और पतन तो होगा ही होगा। अगर आज अच्छे कार्य नहीं किए तो कल भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं खास तौर से उनको समझना चाहिए, आज जो मैं कर रहा हूं कल मेरे को भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन लोग समझते नहीं, क्यों? क्योंकि ये तमोगुणी ज्ञान है, वो समझ नहीं पा रहे कि कल क्या होने वाला है, आज खा रहे, बस खाना है खा लो, क्या फर्क पड़ना है, माई लाइफ माई रूल्स, मेरे को अच्छा लगता है मैं खाऊंगा, खाओ कल भुगतना फिर। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों ज्ञान के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो है सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म के बारे में भगवान बताएंगे श्लोक नंबर 23, 24, 25 में। तो 23 में प्रवेश करते हैं हम, 23 को साथ में दोहराते हैं। नियतम संग रहितम राग द्वेष द्वेषतः, सॉरी एक मिनट मैं फिर से बोलता हूँ। नियतम संग रहितम, नियतम नियतम संग रहितम संग राग दे द्वेषत कृतम, राग द्वेष राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म, अफल अफलम प्रेप्सुना कर्म प्रेप्सुना कर्म यत तत् सात्विकम् उच्यते, यत यत तत् तत् सात्विकम सात्विकम् उच्यते उच्यते उच्यते। नियतम संग रहितम नियतम संग रहितम नियतम राग द्वेष कृतम आराग द्वेषकृतम, अफलम प्रेप्स सुना कर्मा अफल सात्विकम उच्यते नियतम प्रेप्सुना संग नियतम संग रहितम रहितम राग द्वेषतः कृतम। राग अफल प्रेप्सुना अफल कर्म यत सात्विकम् उच्यते, सात्विकम् अनुवाद। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कर्म कहलाता है ना। नियतम संग रहितम, नियतम नियतम मीन्स जो शास्त्रों के आदेश हैं, जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, जिस भी वर्ण आश्रम में हैं हम, जो भी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति का जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्म को, उस कर्तव्य को नियत कर्म कहेंगे, है ना। नियतम, जैसे कोई लड़का है तो उसका कर्म है, उसका कर्तव्य अपने माता पिता का देखभाल करना है ना, अपने घर के प्रति जो जिम्मेदारी उसको निभाना, और अपनी पढ़ाई अध्ययन करना, अपना जो है समय प्रॉपर यूटिलाइज करना, जो भी है उसके नियतम है। नियतम मीन्स प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, पत्नी का धर्म है पति का सेवा करना, भगवान की सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, अपना उद्धार करना, माला जप करना, जो भी उन्होंने लेके रखा है अपने जीवन में उद्देश्य, उसके हिसाब से उसको कम कर्म करना चाहिए, नियतम। अब ऐसे कर्म संग रहितम, अब उसमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिए, है ना।
आसक्ति के बिना अपने आप को उसका ओनर नहीं मानना। अरे ये तो मेरे बच्चे हैं ना, इनकी तो मैं ही हूं, और कौन है इनका, मेरे को ही करना है। आसक्ति नहीं रखनी हमारे को, मेरा पराया अपना, ओहो ये तो मेरे खासम खास हैं, इनके लिए तो अपने को ओहो ये ज्यादा, इनके लिए हम थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, ये हमारे एकदम खासम खास। नहीं, संग रहितम आसक्ति के बिना नॉर्मल जो कर्तव्य होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना कार्य करना चाहिए, है ना। और अराग द्वेषतः मीन्स राग द्वेष से रहित, अराग द्वेषतः मीन्स इस कर्म में मैं अपने, मेरे पसंद का ही है ना ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आसक्ति है, ये आसक्ति राग और द्वेष से आती है। बेसिकली राग मीन्स उससे अटैचमेंट, जब जब मेरे को पसंद आता है, अपनी इंद्रियों को अच्छा लगता है, मेरे को मेरे मन को भाता है बहुत, इसलिए मैं करता हूँ। अराग द्वेष मीन्स ऐसा कर्म करना जो करना चाहिए लेकिन मेरे को पसंद नहीं है ना। सपोज करो ऐसा कर्म करना जैसे सुबह उठना 4 बजे, पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वह सात्विक कर्म है, उठना पड़ेगा, शास्त्रों का आदेश है, उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, भले आपको पसंद ना हो तो भी उठना पड़ेगा। तो अराग द्वेष है, द्वेष है नहीं उठना है लेकिन फिर भी उठेंगे क्योंकि सात्विक कर्म है ना। तो अराग द्वेष मतलब पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, तो भी हमको अगर नहीं पसंद है लेकिन शास्त्रों का आदेश है तो करना है, पसंद है लेकिन शास्त्रों का आदेश है कि नहीं करना है तो उसको एक्चुअल में भी नहीं करना। अराग द्वेष द्वेष कृतम ऐसा कार्य जो किया जाता है। अफल प्रेप सुना मतलब उसके फल की इच्छा के बिना, है ना। फल क्या होता है, हम देखते हैं कोई भी कार्य जो होता है ना वो फल के आधार पे ही किया जाता है। कोई भी हम कर्म करेंगे तो हमने जैसे पिछले श्लोकों में पढ़ा, कर्म की प्रेरणा देने के 3 कारण है, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ये तीनों भगवान, ये तीनों जो है ना कर्म की करने की प्रेरणा देते हैं। तो ज्ञान है हमारे अंदर यह कि मैं भक्ति करूंगा तो आध्यात्मिक उन्नति होगी मेरी, ये ज्ञान है हमारे को, तो ये फल ठीक है एक तरह से क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है। लेकिन फल में लगे हुए हैं, ओहो मेरे मेरे साथ अच्छा हो जाए, मेरे परिवार का अच्छा हो जाए, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कर, शास्त्रों के आदेश को देखना है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाया ही अकर्मणा, है ना, शरीर यात्रा पिचा तेना यह सप्रसिद्ध ये अकर्मणा। मीन्स नियतम कुरुम कर्म, भगवान बोलते हैं दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में, कि अपने नियत कर्म करो हे अर्जुन, क्योंकि नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ वही कह रहे हैं, अफल प्रेप सुना, फल के जो है ना, फल के बेस पे कार्य नहीं करता है वो नियतम, वो शास्त्र के आदेश पे कार्य करता है ना। और यह तत् सात्विकम उच्यते, ऐसा कर्म को ही सात्विक कर्म कहलाएगा, ठीक है। तो इजी है, कोई बहुत ज्यादा जो है ना हम इसमें गहराई में डिस्कशन नहीं करें, बस नियतम मीन्स शास्त्र के अनुसार जो बताया गया हो, गुरुओं आचार्यों के द्वारा जो कार्य बताया गया हो उसको करना, चाहे उसमें हमारी पसंद हो चाहे ना पसंद हो। अपने को आसक्ति से भी दूर रहना कि करने वाला मैं हूं इसको, है ना, इसका जो होने का रिजल्ट है उसका श्रेय मेरे को मिल जाए, ऐसा भी नहीं सोचना है, बस करते रहना हमारे, है ना। हमने ऑलरेडी पढ़ा है शास्त्र के जो कर्म नहीं करे, यह शास्त्र विदम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों के विरुद्ध जाके कार्य करता है उसे कभी सुख नहीं मिलती, उसको कोई परम गति नहीं मिलती, उसको कभी कोई सिद्धि नहीं मिलती, वो उसका जीवन पतन हो जाता है शास्त्रों के विरुद्ध जो कार्य करता है। तो शास्त्रों के अनुसार कार्य करना है, तो शास्त्र क्या कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जियो, जो आपका वर्णाश्रम धर्म है, जो भी आप कर्तव्य में बैठे हुए हो, जिस भी परिस्थिति में हो, पुत्र हो पुत्री हो माता हो पिता हो, जिस भी पोस्ट में आप बैठे हो, उस पोस्ट का जो कार्य होना चाहिए, जो दायित्व होना चाहिए उसको निभाना चाहिए, ना कि मैं तो इस घर का बॉस हूं, मैं तो पिता हूं सबका, मैं पति हूं इस घर का बॉस हूं, तो अब मैं जैसा चाहूंगा वैसा शासन करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे बोलने के हिसाब से कर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं। आपको जो कर्तव्य दिया गया है कर्तव्य के अनुसार कर्म करें, ठीक है, उसका गलत उठाना नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं आज की डेट में डाइवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं,
यही कारण है कि लोग अपने कर्तव्यों को कर्तव्य समझ के नहीं करते। लड़का लड़की एक दूसरे के साथ वो चाहते हैं कि वो ऐसा करे जैसा मैं चाहता हूं, मेरे अनुसार वो मेरी पत्नी चलती नहीं है, मेरा पति मेरे अनुसार नहीं चलता है, इसलिए जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना बहुत क्लैशिस हो जाते हैं। अपने कर्तव्य तो हम करते नहीं और दूसरे के कर्तव्यों पर उंगली उठाते हैं, है ना। जो पत्नी है वो पत्नी के धर्म निभा नहीं रही है और वो चाह रही है कि पति मेरे धर्म निभाए, पति आए घर का काम करे, पति आए खाना बनाए, तो कैसे काम चलेगा। और पति सोच रहा है कि ये मेरी पत्नी है तो मेरे पैर दबाए, चाहे मैं काम करूं चाहे नहीं करूं, तो ऐसा नहीं होता। दोनों को अपने कर्तव्यों को सीरियसली लेना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं उठाना चाहिए, सहन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, तब जाके जीवन अच्छा चलता है। ठीक है, तात्पर्य में प्रवेश करते। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद कीजिए। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्ति परक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं सात्विक कहलाते हैं। एक ही लाइन में प्रभुपाल ने पूरा तात्पर्य डाल दिया, एक लाइन में सब बता दिया है। विभिन्न आश्रमों में जो वर्णों के आधार पर कर्म बताए गए हैं उनको करना, अनासक्त भाव से करना, स्वामित्व की भावना से नहीं करना कि मैं इसका स्वामी हूँ मेरे को इसका श्रेय मिलना चाहिए, है ना। प्रेम की प्रेम से करना, चाहे वो ना पसंद है तो भी प्रेम से करना, है ना। और परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए करना, ये सोचना कि मुझे भगवान ने ये कार्य दिया है मेरे को करना है, उनकी उन्होंने मेरे को इस स्थिति पर डाला है तो इस स्थिति में मेरे को जो कार्य करना चाहिए मैं उनकी प्रसन्नता के लिए करूंगा। और अधिकार की भावना से बिना, ऐसा नहीं कि ये मेरा ही अधिकार है मैं ही करूंगा, मैंने किया है मैंने बनाया है, ये सब नहीं होना चाहिए। और भगवान की कृष्ण भावना में कार्य करना चाहिए, वह सात्विक है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन वाला मैटर नहीं है। अगला श्लोक ले लेते हैं फटाफट। यत् तु काम इप्सुना कर्म, यत् तु काम इप यत्तु सुना कर्म काम स अहंकारेण वा पुनः, स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल आयासम, क्रियते क्रियते बहुल बहुल आयासम आयासम तत्राजसम उदाहृतम, तद्राजसम तत्राजसम उदाहृतम। क्रियते यत्तु काम इप्सुना कर्म यत्तु काम बहुल इप्सुना कर्म आयासम स अहंकारेण वा पुनः स अहंकारेण वा क्रियते पुनः। बहुल आयासम क्रियते बहुला तद्राजसम आयासम उदाहृतम तद्राजसम यत्तु काम इप्सुना कर्म, यत्तु काम यत्तु काम इप्सुना कर्म कर्म स अहंकारेण वा पुनः, स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुल आयासम क्रियते बहुल आयासम तत्राजसम उदाहितम। तत्राजसम उदाहृतम अनुवाद, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। तो रजोगुणी का आप भी अब इजी भी हो गया, सब समझ सकते हैं। रजोगुणी कर्म क्या है? रजोगुणी कर्म ये है कि मेरे को पसंद है, अपने लिए किया, आसक्ति के साथ किया और अहंकार के भाव से किया गया है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया गया है, वह रजोगुणी कार्य। तो श्लोक को देखते हैं। यत् तु काम इप्सुना कर्मा, लेकिन जो काम इप्सुना मतलब अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए किया गया हो, स अहंकारेण
मतलब अहंकार के साथ किया गया हो, और क्रियते बहुल आयाम, और बहुत परिश्रम के साथ, बहुत मेहनत से, बहुल आयाम मतलब बहुत जिसमें श्रम लग गया हो, ऐसे कार्य को राजसम कहते हैं। तो 3 पॉइंट बताए गए राजसिक कार्य के लिए, बेसिकली इच्छा प्राप्ति के लिए किया गया हो, दूसरा अहंकार के साथ किया गया हो, और तीसरा कठिन कठिन परिश्रम के साथ किया गया हो। ये तीनों चीजें जहां रहेंगी उस कार्य को हम रजोगुणी कर्म कहेंगे। तो इसका तात्पर्य शीला प्रभुपाद ने दिया नहीं है, तो बेसिकली बहुत इजी है, हमने चर्चा करी। जैसे लोग पूरा जीवन लगा देते हैं अपने नाम के लिए, है ना, बोलता मैंने इतना पूरा समय लगा दिया अपना नाम बनाने में, मैंने 50 साल लगा दिए, ये इकट्ठा इज्जत मैंने कमाई है, ये घर मैंने कमाया है, ये घर मेरा है, ये संसार मैंने बनाया है। तो जो हाँ मैं आ जाता है ना, वो राजसी हो जाता है, वो ये नहीं देख पा रहा है कि ये प्रभु ने दिया है ना, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैंने किया है ना, आसक्ति के साथ बहुल आयाम, बहुत परिश्रम करता है बेचारा, पूरा जीवन लगा देता है ऐसे कार्यों में, और उसको 1% भी ये नहीं रहता कि मेरे पास कृष्ण की या भगवान की कृपा थी इसलिए मैं ये कार्य कर पाया, है ना, ये भाव नहीं रहता उसको, ये भाव रहता है कि मैंने किया है ना, अरे मैंने इतना समय दिया। एक मेरे रिश्तेदार हैं, वो ना बेचारे गरीब थे पहले, मतलब उनके पिताजी गरीब थे, फिर बाद में उन्होंने अच्छा काम कर लिया, मतलब पुत्र जब बड़े हुए तो जो पुत्र है वो मेरा मित्र समझ लीजिए, और पिताजी बेचारे बहुत गरीब थे, और पुत्र ने अच्छा काम कर लिया, कपड़े की दुकान उकान पंडरी में बहुत अच्छी कर ली, अच्छा खासा काम कर लिया। तो उसके वर्ड्स में यही आता था कि सब कुछ मैंने बनाया है, मेरे पिताजी ने मेरे को कुछ नहीं दिया, जो कराया है मैंने किया, आज मैंने अपनी मेहनत से दुकान बनाई, आज मैंने मेहनत से ये कमाया, आज किसी का अधिकार कैसे है मेरे काम में बोलने का, मेरे को मेरे पिताजी ने कुछ नहीं दिया, वो यही गाना गाता था। और सच बता रहा, ये सच की सच घटना है। धीरे धीरे उसको भी जीरो पे आना पड़ गया, फिर वापस खत्म हो गया सब कुछ, जो अहंकार आया अहंकार के कारण, सब का श्रेय खुद के ऊपर ले लिया उसने, मैंने किया मैंने किया, मैंने मेहनत करी, मैंने ये किया, मैंने दिमाग चलाया, मैंने इनसे बात की, वो जाता हूँ मैं, यहाँ जाता हूँ कंपनी से बात करता हूँ, मैं इसको समझाता हूँ तब जाके तो हमारा काम बनता है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही मैंने दुकान नहीं बना ली अपनी। तो देखते ही देखते ना सब खत्म हो गया, बिक गई दुकान, देखते ही देखते धीरे धीरे सब खत्म हो गया, गाड़ी थी घर था सब बिक गया, सब बैंक ले लिए वापस जीरो। मतलब मुश्किल से 15 साल या 20 साल में ये घटना हुई कि 20 साल में वो जीरो से ऊपर तक उठा, फिर वापस से ऊपर से नीचे आ गया 20 साल, मतलब ये 20 साल में धीरे धीरे प्लस हुआ, फिर एक बार टॉप में आया, तब BMW भी खरीद लिया उसने, अच्छा खासा सब बढ़िया मोबाइल, बड़े बड़े महंगे खर्चा कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, फिर वो धीरे 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 नीचे भी आ गया, अब फिर वापस बहुत कम हो गया, परेशान है अब। तो जो ये ऐसा सोचता है ना कि ये मैंने किया, ये मेरा दिया, ये मैंने मेहनत करी, तो सब फिर जीरो हो जाएगा। हमको ये समझना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है, प्रभु का दिया हुआ, उन्होंने कृपा करी तो मेरे को मिला, मेरा क्या है इसमें, उन्होंने इतना, उन्होंने ही तो बल दिया बुद्धि दी है ना, भगवान कहते हैं ना 7.10 में, अपना ईश्वर सर्वभूतानाम नहीं क्या है, बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि तेज तेजस्वी नाम अहम, मैं ही तो सबकी बुद्धि हूँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति उसकी बुद्धि मैं हूँ भगवान कहते हैं, जो तेजस्वी दिख रहा है ओजस्वी दिख रहा है उसका तेज और ओज मैं हूँ भगवान कहते हैं। तो ये हम कैसे मान ले कि मैंने किया, भगवान जब बुद्धि भगवान दे रहे हैं तो फिर सब चीज तो करने की शक्ति वही दे रहे हैं, है ना, भगवान कहते हैं सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ और उनकी उनको ज्ञान प्रदान करने का काम मेरा है, उनको याद दिलाने का काम मेरा है, उनको भुलाने का काम मेरा है। तो अगर हमको कुछ याद आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, ये ठीक है ये अच्छा है ये बुरा है, ये कौन करा रहा है, ये भगवान करा रहा है, हृदय में बैठ के करा रहे भगवान, और हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ। कितनी बड़ी भूल है, आदमी ये समझ ले कि मैं जो कार्य कर रहा हूं ये प्रभु की कृपा है इसलिए कर पा रहा हूं, अगले क्षण प्रभु क्या दे देंगे, ऐसी कौन सी बीमारी दे देंगे, मेरे हाथ पैर काम करना बंद हो जाएगा, तो फिर कहाँ जाऊंगा, आज जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं
वो क्या बोलते हैं क्या कि मैं हाथ नहीं चला रहा, वो तो ये बोलते हैं ना प्रभु ने छीन लिया मेरी शक्ति। तो जब थी तब किसने दी थी? तब तो प्रभु ने दी थी ना, तब तो लेकिन बोला नहीं कि प्रभु ने शक्ति दी है, तब तो बोले मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति है। तो यही समझना चाहिए कि ये जो है ना भगवान की दिया हुआ है। ठीक है, किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस रोहिणी नंदन प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु कृष्ण। जी। एक थोड़ा डाउट था इसमें, जैसे इसमें तो खैर आंसर मिल गया था मेरे को। जैसे हम बेसिक नीड्स है हमारी जो रहती है, जैसे हम गृहस्थ हैं तो कुछ चीजें ऐसी रहती है प्रभु जी हमको तो शो करना मतलब दिखावा के लिए भी करना रहता है। जैसे हमारी नीड नहीं है लेकिन हमको जैसे कहीं जैसे गाड़ी में चलना है या फिर कुछ मोबाइल यूज करना है, कुछ भी चीज जैसे रहता है हमको कुछ दिखावा के लिए भी करना रहता है ना? तो वो क्या तामसी में आएगा क्या? मतलब जैसे कोई हमारे क्लाइंट है, उसके उसके ऊपर प्रभाव जमे इसलिए हमको मोबाइल बड़ा वाला रखना है, ऐसा एक एग्जांपल सारा ले चीज सकते। रहता है जैसे हमको दिखा होगा। जैसे अब सपोज करो मैं अगर मान लीजिए स्कूटर में जाऊंगा तो मेरे को वैल्यू नहीं मिलेगी है ना, वही मैं गाड़ी में हाँ जाऊंगा तो मिलेगी मेरे को है ना। जैसे पैसा का भी है समझिए, आप जैसे जहां भी जाएंगे डील करेंगे किसी को तो एक लोगों को मेंटेलिटी रहती है, उसके हिसाब से हम चलेंगे मान के चलिए है ना। तो वो तामसी में आएगा कि किसमें आएगा प्रभु जी वैसे? नहीं, देखो एक चीज समझिए, जो अंदर के भाव है ना उसकी बात चल रही है, बाहरी चीजों की बात नहीं चल रही। ये तो बाहरी चलो अज्ञान में वो है ना, उसको दिखाने के लिए मजबूरी में हमको करना पड़ रहा है, वो अज्ञानी है लेकिन हम ज्ञानी हैं। लेकिन हम अंदर से जो भाव रखते हैं ना, वो ये नहीं रखते कि ये मैंने कमाया, ये मैं दिखा रहा हूँ। अंदर से तो भावना यही है कि ये प्रभु का दिया हुआ है, बस ये भावना रख के हम दिखाना तो पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि पूरा संसार अज्ञान में है। अज्ञानियों के बीच में जो है ना हमको ढोंग करना पड़ेगा अज्ञानता का, है ना, हमको भी उनके जैसा बन के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं से कार्य करना है। आज अगर आपका कोई क्लाइंट है, आप उसको अध्यात्म का ज्ञान दे दोगे, बोलोगे कि तू नाम जप कर, तू गीता पढ़, तू छोड़ इतना बड़ा काम मत कर, तू अपना समय भक्ति में दे, तो वो तो बोलेगा अरे भैया रहने दो, आपके पास जाना ही नहीं मेरे को, है ना। तो हमको उनके हिसाब से कार्य करना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है प्रभु जी, आप एकदम सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उनकी तारीफ कर लो, जबकि अंदर से समझ रहे हैं, अंदर से विनती कर रहे हैं कृष्ण को, प्रभु इसको ज्ञान दो, इस अज्ञानी को अकल दो, और अपन मुंह पे क्या बोल रहे हैं, अरे रे आप तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो अंदर से हमारे भाव ऐसे होने चाहिए कि ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का दिया हुआ। अंदर की जो बात चल रही है, आपके मनोभाव की बात चल रही है, मनोभाव ऐसा रखना है तो वो सात्विक ज्ञान रहेगा, राजसिक नहीं रहेगा, सात्विक कर्म रहेगा, राजसिक नहीं रहेगा। वो तो मजबूरी है, क्या करोगे। आज मेरे को भी जाना पड़ता है, मीटिंग्स में जाना पड़ता है, लोगों के साथ बड़े बड़े होटल में जाना पड़ता है, उनके साथ बैठना पड़ता है, तो क्या वहां जाके मैं ये बोलूँ कि मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ का खाना नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं बोल सकते। खाना पड़ेगा, उनके साथ समय देना है, काम लेना है, काम देना है, तो बैठना पड़ेगा, कार्य तो करना पड़ेगा। तो वो अंदर मनोभावना की बात, अंदर ही अंदर क्या चल रहा है आपका। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, ये सुनील प्रभु कहिए। हरे हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण, प्रभु जी मेरा भी क्वेश्चन इसी बारे में था, बाकी आधा का आंसर तो मेरे को मिल गया, पर इसमें जो सेकंड लाइन है ये सत्य को जाने बिना उसमें बताती है, किस सत्य की बात कर रहे प्रभु जी, मतलब भगवान श्री कृष्ण सत्य को जाने बहुत अच्छा बिना उसमें प्रश्न है, बताती। बहुत बहुत अच्छा है प्रश्न, कि सत्य को जाने बिना कौन सा सत्य है जिसको जाने बिना लोग कर्म करे जा रहे, कर्म जा रहे करे जा रहे। सत्य मीन्स हम भगवान के अंश हैं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं, ये सत्य को जाने बिना जो कार्य करे जा रहा है, मैं शरीर हूं ये मान के कार्य किए जा रहे, मैं कभी मरूंगा नहीं, ये जीवन ही एक जीवन है बस, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, ये सब सत्य नहीं है, इसी को जाने बिना, सत्य को जाने बिना कार्य किए जा रहे, इसको कहेंगे हम राजसिक कार्य, तामसिक कार्य। तो सत्य जो है ना, मैं परवान परमेश्वर का अंश हूँ, मुझे भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ये सत्य जब तक नहीं जानेगा तब तक वो गलत काम में रहेगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस श्री राम प्रभु कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, जैसे कि प्रभु जी अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी मेरे ना एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे, वो क्या था कि जीवन भर मतलब बहुत ही असमय ही उनका निधन हो गया। तो वो अभी बालको हॉस्पिटल में लगभग 2 साल तक एडमिट थे, कैंसर से पीड़ित थे वो, लंग कैंसर थे। तो प्रभु जी वो जब मैं उनसे मिलने के लिए जाता था तो जो उनकी वाइफ थी भाभी जी, वो पहले तो वो लोग ना नहीं मानते थे। वो कुछ ऐसे समुदाय से आते हैं जो लोग केवल एक अपने जी जो धर्म गुरु हैं उनको ही मानते हैं, उसके अलावा नहीं मानते। तो प्रभु जी जब वो देखे और कुछ ऐसा, पहले जब वो ठीक थे तो वो देखते भी थे व्हाट्सएप में या इंस्टा में कि स्पिरिचुअलिटी में है। तो मेरे को उस समय जो भाभी जी हैं वो बोलने लगी कि आप किसी भी तरह से इनके लिए प्रे करो तो किसी भी तरह से ठीक हो जाए। तो प्रभु जी मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया प्रभु जी, बस ये था कि सेंटर से जाता था तो चरणामृत ले जाता था और खीर प्रसाद ले जाता था, किसी भी तरह से उनके मतलब एक टेस्ट बस हो जाए। और प्रभु जी उनको जब भी हाथ पैर में बहुत दर्द रहता था तो ऐसा एक हाथ से उनका हाथ पैर दबाता था, दूसरे हाथ से ऐसा चेंटिंग करता रहता था। उनको उनके सामने में बैठ के 7 7 8 8 10 10 माला किया हूँ। तो प्रभु जी उनको क्या गति मिलेगी प्रभु जी, क्या है वो जीवन भर नाम नहीं लिए हैं, वो बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन मेरे बहुत ही घनिष्ठ थे प्रभु जी। मतलब शुरू से जब से ज्वाइन किया था ना जॉब, तो ऑफिस में भी हम लोग एक साथ रहते थे और वहाँ पड़ोसी भी थे हम लोग। तो प्रभु जी मैं उनके बारे में सोचता हूँ, और वो जब एक्सपायर होने वाले थे उनको डॉक्टर जवाब दे दिए थे ना, तो ये हुआ प्रभु जी की जैसे अभी एक ही हफ्ता बचा है ऐसा टाइप का था। तो प्रभु जी ये होता था कि ना मैं जब उनसे मिल के आया था तो मेरे ना सपने में ऐसा आते थे, सुबह सुबह बस उठने वाला रहता था गीता क्लास के लिए उसके पहले कि सर अब चले गए। उसके बाद फिर मैं सोचा कि ठीक होंगे, फिर अगले दिन ना प्रभु जी फिर वही सपना आया कि नहीं आज सर चले गए। और जस्ट मैं उठ के गीता क्लास अटेंड किया और 7 बजे करीब क्लास क्लोज हुआ प्रभु जी, और ना 7:15 बजे मेरे को फोन आ गया कि सर चले गए करके। तो प्रभु जी उसके बाद भी ना सपने में, अभी जैसे 13वीं था उनका तो भी वो सपने में आ रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं प्रभु जी, बस यही सब चीजें दिख रही हैं कि मैं उनके साथ हूँ या कुछ बिताया हुआ समय। तो प्रभु जी क्या उनकी उनको क्या गति मिला होगा प्रभु जी, या वो भी है यहाँ पे या क्या हो रहा होगा प्रभु जी, मैं मेरे मन में डाउट है। देखो ऐसा है कि जितनी मेरी क्षमता है, जितनी मेरी समझ में, उतना बता सकता हूँ आपको। बाकी एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो नहीं मालूम लेकिन एक चीज निश्चित है कि जो भगवान का नाम नहीं लिखा है जीवन भर, जिसने अपने हिसाब से कर्म किया, किसी को भी माना है, किसी और की पूजा कर रहा है, देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, भगवान का नाम नहीं लिया है, सत्कर्म नहीं किया, प्रसाद नहीं खाया है, उसकी गति तो नीचे जानी है, उसको नीचे की योनियां मिलनी है, ये निश्चित है। लेकिन अगर आपने उनके मुख से भगवान का नाम एक बार भी उच्चारण करा दिया, एक बार भी उन्होंने भगवान के प्रति जो है ना समर्पण कर दिया, एक बार भी उन्होंने जीवन में प्रसाद खा लिया, या एक बार भी भगवान का नाम सुन लिया, उसको मतलब सुन के स्वीकार कर लिया, वाह अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा भी विचार कर लिया, तो उनको दोबारा मनुष्य योनि ही मिलेगी, नीचे नहीं जाएंगे, नरक लोकों में नहीं जाएंगे, ये निश्चित है। मतलब आज की डेट में यही एक उपलब्धि है कि दोबारा मनुष्य जीवन मिल जाए, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लोग इतने पाप कर रहे हैं कि उनको निश्चित है कि मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, वो नीचे ही जाएंगे, कुत्ता बिल्ली सुअर जो बनना है, गधा घोड़ा है ना, चींटी मच्छर मक्खी जो बनना है वो बनेंगे, लेकिन निश्चित तौर से मनुष्य नहीं बनेंगे क्योंकि इतने पाप कर रहे हैं। लेकिन एक बार भी अगर किसी ने शुद्ध भक्त के मुख से सुन लिया, श्रवण कर लिया, नाम जप करवा दिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो निश्चित है अगली योनि उनको मनुष्य की योनि मिली, और निश्चित है कि उनके पास यमदूत नहीं आएंगे। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये कि किसी के पास यमदूत ना आए जीवन, मतलब मृत्यु के समय, मृत्यु में नहीं तो यमराज के दूत ही आते लेने, इतने पाप कर रहे और इतने भयानक होते हैं, इतने भयानक होते हैं, देखते देख के आदमी का मल मूत्र निकल जाता है। शर जब लेटा रहता है ना मृत्यु शैया पे, तब वो देख पाता है जो यमदूत के आदमी आते हैं, यमदूतों को, तीन यमदूत आते हैं लेने के लिए आत्मा को, पाश से बांधते हैं आत्मा को, निकालते हैं हृदय से। तो जैसे व्यक्ति देखता है ना, वही देख सकता है जिसकी मृत्यु हो रही है ना, वो देखता है और डर जाता है, ये कौन आ गए, और उसका मल मूत्र निकल जाता है। तो उसके जीवन में यमदूत नहीं आते हैं, जो भगवान का प्रसाद खा लिया है, कृष्ण का नाम ले लिया है,
कृष्ण के भक्त के मुख से चैंटिंग सुन लिया है या कुछ भी और अच्छी भगवान की जो है लीलाएं सुन लिया है, तो उसके जीवन में कभी यमदूत, मृत्यु के समय यमदूत नहीं आते, तो वो बच चुका है। तो निश्चित तौर से मेरे को लगता है वो 13 दिन तक तो व्यक्ति की आत्मा रहती है वहीं पे, और 13 दिन तक वो ना कनेक्ट करने की कोशिश करता है अपनों से, जिनसे भी उनको कुछ बात करनी है, कुछ भी कोशिश करनी है। तो हम भक्तों का ये कर्तव्य है कि हमको तो मालूम है ना कि भूत प्रेत जो आती हैं, आत्माएं जो होती हैं, जो जो शरीर से निकल जाती 13 दिन तक रहती है, वो रहती हैं और वो बात करने की कोशिश करती है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो है उनका मैसेज लें, मैसेज स्वीकार करें। लेकिन भौतिक लोग डर जाते हैं, और ये सपने में आ रहे हैं, ओहो मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे को तो डर लग रहा है, हाय हाय मैं अकेले में अंधेरे में नहीं रहूंगी रहूंगा, मेरे को डर लग रहा है, मेरे सपने में आ रहे हैं बार बार, पता नहीं क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आते हैं, कोशिश करते हैं अपने मैसेज देने के लिए, उनकी जो कुछ इच्छाएं रह जाती हैं या कोई और उनके अंदर अधूरे सपने बच जाते हैं या किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो उसके लिए वो प्रयास करते हैं कि मैं इनसे कांटेक्ट करूं और इनको बताऊं, इनको समझाऊं, मैसेज दूं, ये है ऐसा है। तो हमको स्वीकार करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, भक्तों को उनसे बराबर इंटरेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या बात है, आप बताओ, मेरे को बताओ, मैं नहीं डरता आपसे, मेरा मेरे को मालूम है कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भौतिक लोग डर जाते, इसलिए फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाते। भक्तों को कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुन सकते हैं उनकी बातों को, स्वीकार कर सकते हैं। बाकी कुछ तो ऐसा है कि जो है हमारी खुद के भी जो है ना दिन रात जिसका ज्यादा चिंतन करते हैं उसके भी सपने आते हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी सिर्फ धारणा भी हो, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे, आपने सोचा होगा कि इनका उद्धार हो, इनका कल्याण हो, इसलिए आपको आ रहे सपने में। तो दोनों कारण हो सकते हैं, और आपने ये जो किया इससे निश्चित तौर पे उनका अगला योनि, मनुष्य योनि निश्चित तौर से मिलेगी, क्योंकि आपने भगवान का नाम सुना है उसको। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा। हम जानते हैं एक हमारे गुरु हुए जिन्होंने, उनके पिछले जन्म में वो छिपकली थे, उनको महाप्रसाद मिल गया था, महाप्रसाद खाने के कारण इतनी इतनी बड़ी औदी मिल गई कि गुरु परंपरा में आ गया, गुरु गुरु बन गया हमारा, मनुष्य योनि मिला और पूरा भगवान की स्वीकृतियां मिली। क्यों? क्योंकि महाप्रसाद खा लिया था। तो ऑब्वियसली अगले योनि में भी उनको मनुष्य का जीवन मिलेगा और स्वीकृतियां मिलेंगी और उनके जीवन में भक्ति का प्रवेश होगा, लेकिन अब वो स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे उसको, ये तो डिपेंड करता है उनके कार्य, उनके डिसीजन के ऊपर। ठीक है, तो बहुत अच्छा कार्य किया, और ऐसे करते रहना चाहिए। भक्तों का तो ये कर्तव्य है कि लोगों को भगवान की भक्ति, भगवान की नाम की महिमा सुनाए। जी प्रभु जी, लेकिन ना मैंने उनको देखा अंत समय में, जैसे हम इतने समय से भगवद गीता क्लास में सुनते हैं कि व्यक्ति जब अंत समय आता है तो वो अपने मुख से कुछ नाम नहीं ले पाते, या फिर उनके पूरे शरीर में कितने लाखों बिच्छुओं के डंक मारने का जो प्रभाव पड़ता है, तो प्रभु जी वो बता तो नहीं पाते थे, लेकिन उन इशारे से समझाते थे कि उनके पूरे बॉडी में दर्द है, वो ना तो कुछ बोल पाते थे। आखिरी का जो 3-4 दिन था ना प्रभु जी, वो बहुत ही उनके लिए कष्टप्रद था। तो मुझे ना पूरा भगवत गीता की क्लासेस याद आती थी कि समय रहते हमको नाम लेना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो प्रभु जी मैंने उनको देखा तो मुझे पूरा आत्मसात हो गया प्रभु जी के अंत समय में ऐसे ही स्थिति होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है समझना कि एक छोटी सी चोट लग जाए ना, एक अगर हमारे आंख में कंकड़ चला जाए तो कितना दर्द होता है। तो जब प्राण निकलने वाले होते हैं, तब 40,000 बिच्छू एक साथ काटते, इतना दर्द होता है। तो कितना दर्द होता होगा उस समय, क्या बुद्धि काम करेगी, भगवान का नाम ले पाएगी, क्या हमारी मन शांत होगा, क्या हम भगवान का प्रेम से स्मरण करते हुए प्राण छोड़ पाएंगे। अरे हालत खराब हो जाती, शरीर के दर्द से इंसान परेशान हो जाता है ना। तो ऐसे ऐसे समय के लिए ही तो जीवन भर प्रयास करना है, जीवन भर हम प्रयास करेंगे, भक्ति करेंगे, तब जाके मृत्यु के समय में हम भक्ति कर पाएंगे, अदरवाइज भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए तो जीवन भर भक्ति करते, 16-16 माला क्यों करते हैं, ताकि अंत काल में भगवान का स्मरण बना रहे, नहीं तो इतनी परेशानी हो जाती, इतनी तकलीफ होती कि स्मरण करना मुश्किल है। बिल्कुल सही है प्रभु जी। ठीक है, तो एक दो अनाउंसमेंट हैं। एक तो 8 बजे हमारे हिज ग्रेस कमाल कृष्ण प्रभु जी की क्लास है, जूम पे ही है। तो गौतम प्रभु, आपको टॉपिक मालूम है क्या, क्या टॉपिक पे है? जी प्रभु जी, वही भगवान नरसिंह का वही कथा ही है, तो
अच्छा नरसिंह भगवान का आज नरसिंह चतुर्दशी है ना, तो उसका जो है कथा है जूम पे, तो जो भी चाहे वो ज्वाइन कर सकते हैं 8 बजे की क्लास हिज ग्रेस कमाल कृष्ण प्रभु जी की। और दूसरा एक और अनाउंसमेंट है कि कल मैं क्लास लूंगा, उसके बाद मैं 15 दिन के लिए नहीं ले पाऊंगा क्लास। तो मेरी चर्चा चली है गौतम प्रभु से, गौतम प्रभु जो है ना वो भक्तों का जीवनी आप लोगों को बताएंगे 15 दिन में। जो अलग अलग भक्त है ना, बड़े बड़े भक्त जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की भक्ति करके कमाल दिखा दिया, ऐसे भक्तों की जीवनी क्या चर्चा वो करेंगे। और भी अगर किसी कोई कुछ कहना चाहता है तो वो बिल्कुल हैंड रेस कर सकता है, मेरे से चर्चा कर सकता है, तो हम उसका भी जो है व्यवस्था कर देंगे कि भाई मेरे को ये बोलना है, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या जो भी कुछ और है। अभी तक तो ऐसा चर्चा चली है, किसी का कोई और सजेशन है तो हम, यस अनिल प्रभु कहिए। जी प्रभु जी, प्रभु जी बहुत अच्छा विचार है, ये सब चीज होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा ना, जैसे कि एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि आज नरसिंह चतुर्दशी है, तो ऐसे अलग अलग ये 15 दिनों में जो भी फेस्टिवल आएंगे उसके बारे में हम टॉपिक रख के 5-10 मिनट का क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा प्रभु जी, मतलब क्या बोलते हैं, आपका महाभारत या फिर भागवतम में अलग अलग भक्तों का जो स्टोरी आता है ना, जो एकदम जो यूनिक रहता है, वो अपन दूसरे तरीके से बता सकते हैं, शॉर्ट में बता सकते हैं, मतलब उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, ये मैं बोलना चाह रहा था। जैसे कि ध्रुव महाराज है, प्रहलाद भी है, उनकी कहानी में कैसे ट्विस्ट आया, नारद जी का कैसे एंट्री होता है, तो वो भक्ति के बारे में लोगों को बताते हैं, तो ये मतलब करने का इच्छा था प्रभु। ठीक है ना, तो आप भी कुछ तैयारी कर सकते हैं चाहे तो, जैसे ध्रुव महाराज की है, प्रहलाद की, नारद जी की, तो आप भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी ठीक है ना तैयारी कर प्रभु, लीजिएगा, बिल्कुल और भी अगर कोई चाहे तो बिल्कुल स्वागत है। 15 दिन का लंबा समय होता है, आप भी कुछ व्यवस्था एक दो क्लासेस ले सकते हैं कि प्रभु जी मैं इसका चरित्र बताने की कोशिश करूंगा, या मैं ये ज्ञान बताना चाहूंगा कि राजा रघुगुणा को क्या ज्ञान दिया, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को शरसैया पे क्या ज्ञान दिया। इस तरह जी की जो चर्चाएं हैं, विभिन्न चर्चाएं, उनमें से ज्ञान निकाल के आप बता सकते हो। इस कुंती तरह महारानी से की कुंती शिक्षा है, वो कोई महारानी की शिक्षा है ना, समुद्र मंथन की शिक्षा है, जो भी है, आप जो भी है तो आप लोग व्यवस्था कर लीजिए। आप मेरे को बता दीजिएगा एक बार आज शाम को कि आप कौन कौन से टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, किस पे आपने वर्किंग करी है, तो अपन फिर उतनी क्लासेस आपके नाम पे और उतनी क्लासेस फिर किसी और के नाम पे अलॉट कर देंगे, ताकि आपके लिए इतने दिन रिजर्व रहे। आप इतने दिन बोलेंगे, आप इतने दिन बोलेंगे, उतने दिन वो बोले, बाकी क्लियर रहेगी सारी चीजें, ताकि व्यवस्था रहे ना, आदमी को पहले से प्रिपेयर करने का समय रहे कि भैया मेरे को इतने दिन बोलना है, मेरे पास ये टॉपिक्स हैं, मैं इतने दिन बोलूंगा, ताकि परेशानी ना हो एंड मौके में। ठीक बिल्कुल प्रभु जी, है, बन फिर मैं आऊंगा 10 जून को, सीधा आऊंगा बाहर से, तब हम फिर दोबारा हम भगवद गीता के जो बाकी शेष 18वां अध्याय है उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके बाद पारण करके एक बार आज्ञा लेके हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से आज्ञा लेके फिर श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई महीने में उम्मीद है कि हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करेंगे। ठीक है, भागवतम का तो पूरा मतलब 12 स्कंद होगा ना प्रभु जी, मतलब कम से कम 4-5 साल लग जाएंगे। हाँ, जिस स्पीड से हमने 700 श्लोक किए हैं, उस स्पीड से 18,000 श्लोक पूरे करने में पूरा जीवन निकल जाएगा, मुझे लेकिन लग रहा थोड़ा है एक एक स्पीड श्लोक धीरे एक एक सप्ताह जाएगा। लेकिन हमको कुछ ना कुछ उसमें करना पड़ेगा कि फास्ट हो, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जी प्रभु जीवन जी, छोटा सा है, भागवतम भी करना है, चैतन्य चरितामृत भी करना है, अन्य अन्य और ग्रंथ पढ़ने हैं, जीवन तो छोटा सा है, जल्दी जल्दी करेंगे तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो सबका साथ रहेगा, सबको होमवर्क ज्यादा मिलेगा, सबको खुद सेल्फ स्टडी ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाके वो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। राइट प्रभु, ठीक है, राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिसको चाहे वो उपवास रख सकते हैं। अरे बहुत धन्यवाद, आज नरसिंह चतुर्दशी है, आज एकादशी टाइप का उपवास रखना चाहिए सबको। मैंने तो नहीं रखा है, मेरे को क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है मेरे को आज, इसलिए, लेकिन जो रख सकते हैं वो रखना चाहिए उनको, और उनकी कृपा मिलती है, भगवान नरसिंह देव की कृपा पाने के लिए उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो आज उनका दिन है, उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत करके उनका जो है
स्मरण करें और हो सके तो भगवान का नरसिंह कवच, नरसिंह पूजा ये सब करें, इत्यादि करें, तो आपको कृपा में जरूर मिलेगी, सब सबको कृपा मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को हम क्लोज करते हैं, आज सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्त की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे 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 हरे।